मेरा नाम राम सिंह रघुवंशी है और मेरे दो बच्चे हैं, एक कथा रघुवंशी और एक आद्या रघुवंशी, जो सेठ आनंद राम जयपुरिया में पढ़ते हैं। और मैं इस स्कूल से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और इस स्कूल की मेहनत बच्चों पे दिखती है। और हमारे दोनों बच्चे इस समय ऑनलाइन कोरोना के दौरान घर पे क्लास कर रहे हैं और पूरे टीचर लोग कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं ये घर पे बैठ के दिख रहा है। और आज के डेट में जब स्कूल अपडेट होने के लिए प्रयासरत है और अपने को अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय सेठ आनंद राम जयपुरिया अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, अपने बेस्ट स्टाफ के साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ा भी है और एक विश्वास है कि बच्चा अगर यहाँ पढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से आगे एक अच्छी दिशा उसको मिलेगी। और जिस तरह से, चूँकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ और नेशनल प्लेयर, मैं हॉकी का नेशनल प्लेयर खिलाड़ी भी रहा हूँ, और खिलाड़ी के नाते मुझे पूरा घूमने का मौका मिला है और मैं अन्य स्कूलों में भी बच्चे को पढ़ा के दे चुका हूँ, तो ये मेरा अनुभव कहता है कि बनारस में जो स्कूल है ये बेस्ट स्कूल के रूप में उभरा हुआ है स्कूल है। और अभी हमने इसके पहले इनका एनुअल फंक्शन मैंने देखा था, एनुअल फंक्शन में जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत किया और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो एनुअल फंक्शन इनका बेस्ट एनुअल फंक्शन हम लोगों को लाइफ में देखने को मिला। और मुझे नहीं लगा कि ये स्कूल दो साल से बनारस में काम कर रहा है, हम लोगों को, गार्जियन लोगों को देख के लगा कि ये स्कूल 50 साल से बनारस में है। और बनारस को जिस रूप में इन्होंने चित्रित किया, जिस हिसाब से बनारस को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया बाबा नगरी को, और हम लोगों ने महसूस किया। और कार्यक्रम इनका 5 से 6 घंटा चला और 6 घंटे में हम लोग बैठ के पूरा कार्यक्रम का लुत्फ लिए और कहीं से ये नहीं लगा कि नहीं ठीक है स्कूल में आए हैं, 1 घंटा हमने कार्यक्रम अटेंड किया और हम लोग को घर चलना चाहिए। तो पूरा कार्यक्रम का हम लोग को आनंद मिला और इनकी मेहनत स्कूल में दिखी। तो मैं यही कहूँगा कि सेठ आनंद राम जयपुरिया के रूप में बनारस में एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन स्कूल हम लोगों को मिला है और इसके लिए मैं स्कूल को भी धन्यवाद कहूँगा और इनकी मेहनत को भी मैं सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है। धन्यवाद।